नमस्कार, जय शिव राय। मैं हूं भूदेव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राधा वंडरर। कल हम आए थे भीमाशंकर और रुके थे MTTC रिसॉर्ट पे। वहां से आज सुबह ब्रेकफास्ट करके सुबह 9 बजे निकल पड़े। आज का प्लान है लेनाद्री गणपति और रोजर गणपति। रास्ते में एक डेम्पो डैम है, वहाँ का सीनरी बहुत अच्छा है, वो भी देख के हम आगे चलेंगे। ये डेम्पो डैम, इसका 4 गेट खुली है, क्या सॉलिड नज़ारा है। हम लोग थोड़ा चल के इधर आया और ये पानी यहाँ से निकल रहा है। ये नदी है, नदी बनकर ये जो इसका आउटलेट है डेम्पो डैम का, और ये चारों तरफ का नज़ारा, क्या सॉलिड नज़ारा है। ये पूरा टीम हमारा, यह लेनाद्री ऊपर जाने का रास्ता। अब इस रास्ते से जाएंगे हम ऊपर, वो पहाड़ी दिख रहा है, पहाड़ी के ऊपर। ये है लेनाद्री गणपति, अगर आपको दिख रहे ऊपर केव्स है और उधर गणपति मंदिर भी है, वहीं पे जाना है और यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा शायद। ये 5/8 से 15/8 तक फ्री एंट्री है पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। शुल्क फ्री एंट्री है। यहाँ से दिख रहा है देखो, ये पूरा केव्स, इधर जाना है। यहाँ से केव्स थोड़ा क्लियर दिख रहा है। आधा चढ़ गया है, अभी करीब और आधा चढ़ना है।
से चढ़ चढ़ के आई इधर ऊपर। अभी वो ऊपर चढ़ना है। मोबाइल वाला आता है मामी। एनी पहुंच गई है और वो पीछे रूना भी आई। आ जाओ। कंप्लीटेड। वेरी नाइस। बारिश हो रहा है, पहाड़ी में बारिश होता ही है। काफ़ी ऊपर उठ के आए, इसका अल्टीट्यूड मैं बाद में देता हूँ। और ये नीचे दिख रहा है, और रास्ते से हम आए और नीचे पार्किंग। उसके बाद ये पूरा पहाड़ी चढ़ के आए और ये है ये पूरा गुम्फा जितना भी है। और ये है मंदिर, उसका मंदिर लेनाद्री गणपति। ये पहाड़ी पे काट के मंदिर बनाया। अभी हम इधर जाएंगे। ये अंदर का जो पिलर है बहुत सिमिलर टू कारला केव्स। और इसका मतलब ये बुद्धिस्ट टाइम का है। ये जो स्तूप दिख रहा है ये सांची स्तूप का तरफ है। सांची स्तूप उस आदल में बनाए गए हैं, तो बुद्धिस्ट केव है ये, बुद्धिस्ट लोगों का बनाया हुआ। ये उसको ऊपर है। ये उसका पिलर्स, ये एंट्रेंस डोर था। ये मंदिर का तरफ है, ये केव्स था। और ये मंदिर जाने के लिए ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना केव्स है। ये थोड़ा बड़ा बरंडा टाइप बनाया हुआ है। इधर मैं आया, थोड़ा सीनरी यहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा। ओके, ये बारिश कंटिन्यू हो रहा है। ये चारों तरफ का सीनरी बहुत अच्छा है। वो रास्ता सीधा साफ का वहाँ पे दिख रहा है। अच्छा सुनो, ये मंदिर पास में से फूट पड़ा था। ए मोबाइल दे। ये बेसिकली एक बड़ा सा केव है। उसके अंदर ये गणपति का मूर्ति है। एंट्रेंस ये था शंभू मंदिर, ये अन्नेशा, और ये है बाकी का केव्स। अभी बारिश हो रहा था, ऊपर से पानी गिर रहा है। ये देखो कैसा केव्स है। ये सब बुद्धिस्ट टाइम का केव्स ऐसा लग रहा है। स्वयंभू गणपति जो है वो स्वयंभू होके आया है। और ये बाकी का केव्स है, ये देखो इधर आगे तक है वो केव्स। थोड़ा आगे चलते हैं। रास्ता थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनाया, बीच में ये कटा हुआ है, पता नहीं क्यों कटा हुआ है। हाँ, पानी ड्रेन के लिए इधर बेसिकली कुछ बनाएगा, उसके ऊपर रखेगा कुछ। ये भी कुछ केव्स है इधर, पहाड़ी देखोगे। ये लेनाद्री का नाम मैं सुना था पहले, लेकिन कभी आना नहीं हुआ। इस बार हो गया, इसीलिए बोलते हैं जब जो होना होता है वो हो जाता है। ये और भी केव्स है, ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन जो सीढ़ी है वो थोड़ा स्लिपरी है, इसीलिए सोच नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और भी केव्स, वो आगे तक है केव्स, बहुत आगे तक केव्स बना हुआ है।
और वो नीचे उतरने का रास्ता है वो जो आपको दिख रहा है उधर से, उधर से नीचे से उतरने आ रहा है और वो नीचे रहा पार्किंग। ये कुछ केव से इधर जाने का कोशिश, काफी स्लिपरी दिख रहा है अभी, दिखते हैं पर बहुत अच्छा है। ये देखो केव अंदर से ऐसा है, दरवाजा वगैरह बना हुआ है ताकि लॉक कर सकते हैं। ये बेसिकली पुराने जमाने में जो मॉन्क्स होते थे ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनका बनाया हुआ है, उनका वो लोग इधर रहते थे और सब कुछ उपासना करते थे बेसिकली। ये भी एक कोर्ट रूम जैसा है बहुत बड़ा ऐसा। यहाँ से बाहर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे है और ये और ऊपर जाने का जो रास्ता है बंद किया हुआ है क्योंकि शायद स्लीपर ही है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से रिटर्न। वो नीचे अन्ने सा खड़ी है तो आई विल गो डाउन नाउ। किसी का मिठाई चुराया पूजा का। तो ये है होटल गिरिजा, यहाँ पे हम थोड़ा स्नैक्स ले रहे हैं, अभी बज गया डेढ़, रास्ते में कुछ मिलेगा कि नहीं खाना पता नहीं, तो हम लोग सोचा थोड़ा स्नैक्स ले लेते हैं। हमने डोसा ऑर्डर किया है, डोसा और क्या आ रहा है, एक प्लेट मेदू वड़ा, नहीं सब डोसा और मैगी, अच्छा और नेशा के लिए मैगी खा लेते हैं। ये ओझर गणपति, इससे पहले हम देखा लेनाद्री गणपति, लेनाद्री गणपति और ओझर गणपति, ये सारे अष्टविनायक जो गणपति है उन्हीं का पार्ट है, आठ आठ फेमस गणपति। अभी उसका तरफ जा रहा है गाड़ी पार्क करके, अभी हम उसका तरफ जा रहे हैं मंदिर का एंट्रेंस की तरफ। आई बिलीव इस तरफ कहीं एंट्रेंस है, यही है शायद एंट्रेंस। ये भक्त भवन क्रमांक 3, ऐसा और दो भी हमने देखा, भक्त भवन क्रमांक 1 और 2, ये बहुत अच्छी तरह बना के रखा है, ये जो भक्त लोग हैं दूर से आते हैं उनके लिए। ये एंट्रेंस है, क्वार्ट्ज एंट्रेंस।
विघ्नहर्ता गणपति ओझर। ये एग्जिट से एग्जिट करके आया, अभी मंदिर का चारों तरफ एक राउंड लेते हैं। वो मंदिर, ये कोई भी गणपति मंदिर में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके लिए हम फोटो नहीं ले पा रहे, अंदर का अलाउड नहीं है। क्या करते इसमें पैसा पैसा चिपकाने का? अरे पीछे होल है, वैक्यूम बन जाता है, उसके पीछे होल है ना छोटा सा, वैक्यूम बन गया, मतलब जोर से दबाया तो चिपक जाएगा। हाँ जिससे कहा था मैंने, निकाल के लिए साफ सुथरा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग ही नहीं रखते ना, हम लोग ही आएंगे। इसका कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, पेंटिंग बाहर भी चल रहा था, उसके लिए पूरा जो फ्रेमिंग किया हुआ है दर्शन के लिए होगा आपको। बर्तन नहीं, वो निकालने के लिए होगा शायद, पता नहीं। अच्छा ऊपर आके फिर, हाँ शायद, हाँ ये दिया लगाते हैं, इसमें दिया रखने का स्टैंड है। ये साउथ का स्टाइल है बेसिकली, साउथ का अंदर का फोटो लेना अलाउड नहीं है। दर्शन का बाद अभी हम जाएंगे वापस, और ये दरवाजा का काम करीब 3:30 बजे स्टार्ट किया था गणपति देखने का बाद वजर से, और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था चाकन में, और उसका बाद अभी बज रहा है 9:15 9:15 और हम पहुँचे लोनालगा बाद जो फूड कोर्ट है वहाँ पे। अभी हम लोग सोच रहे थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, तो हमने लिया KFC से ये लिया हमने, एक स्ट्रिप्स और 3 बर्गर। अभी देखते हैं उसका बाद कुछ और चाहिए तो लेंगे। ये रहा KFC, देखते हैं खाने का बाद। So, हमारा ये जो सफ़र रहा भीमा शंकर का, काफ़ी अच्छा रहा।
हम कल भीमाशंकर पहुंचे थे, आज सुबह भीमाशंकर से निकले और वहां से लेनाद्री गणपति गया और लेनाद्री गणपति से फिर हम गए ओझर गणपति और ओझर गणपति देखने का बाद फिर हम वहां से रिटर्न आए। तो ओझर से हमने शुरू किया था करीब 3:30 बजे और बीच में चाकन में काफ़ी जैम मिला, उधर अटक गए और उसका बाद वहाँ से आते आते काफ़ी लेट हो गए। तो अभी बज रहा है 10। हम ये एक जो फुटबॉल है एक्सप्रेस वे पे, उस फुटबॉल पे डिनर किया और डिनर करने के बाद यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। हमारा साथ में जो नेबर था वो काफ़ी जैम में पीछे अटक गए थे, तो थोड़ा दूर है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस टाइप का वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि सारे न्यू वीडियोस का अपलोड आपको आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय।